तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहीं जब जाता है, कोई भी क्रिकेट टीम जाती है, हम लोग जाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, कोई आपका लगेज लेता है, कोई आपको रिसीव करता है, कोई कुछ करता है। इनको रिसीव करने वाला कोई नहीं आया, ये खुद गाड़ी में अपना लगेज डाल रहे थे। हो सकता है इनके एम्बेसी वालों को तनख्वाह ना मिली हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इनके एम्बेसी वालों को कई जगह तनख्वाह नहीं मिली। अब यार जिसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप 4-5 महीने काम नहीं, उनको तनख्वाह नहीं दोगे, काम क्यों करेगा? तो ये खुद ही, अब मुझे लगता है कि इनको होटल में भी नहीं रखा है, इनको डेगची वेगची लेकर आए हैं, बोला खुद अपना खाना पका लो, बस स्टैंड के पीछे खुद अपना, ये लोग बाबर आजम वगैरह अपना खाना वाना पकाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा डाउट है इनके ऊपर। जो ऑस्ट्रेलिया में था उसने इनको इंसल्ट करी है, कोई इनको रिसीव करने नहीं आया, बोला भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं अपनी गंदी शक्ल दिखाने की। अच्छा अब अच्छा, बड़बोलापन इन भाइयों का फिर खत्म नहीं होता। बड़बोले इतने हैं, लाहौरी इतनी मोटी बकवासें करते हैं, ये हर जगह जलील हो गए, वर्ल्ड कप से जलील होकर गए, एशिया कप में जलील हुए। सामने क्रम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे और उस दौरे के दौरान सिडनी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी प्लेयर्स का अपने सामान को खुद ट्रकों में लोड करना एक ऐसा बड़ा इशू हमारे पड़ोसी मुल्क में बनाया गया, फिर उसे पाकिस्तान की गुर्बत के साथ जोड़ा गया, फिर कहा गया कि पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं है, फिर ये तक कहा गया कि एम्बेसी के लोगों को 5-5 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली, इसी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, पाकिस्तानियों ने खुद अपने सामान को ट्रकों में लोड किया वगैरह वगैरह, यानी कि इस तरह की बकवास की जाती रही बाकायदा तौर पर भारत के प्राइम मीडिया सोशल मीडिया पर। और ऐसे मौकों की तलाश तो अक्सर हमारे पड़ोसियों को होती है, और अगर बात की जाए उनके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा और पाकिस्तानी अमूर का माहिर करार देता है, मेजर गोबर आरिया, वो ये सारी बातें बाकायदा कहता दिखाई दिया। हालांकि वो ये भी कहता होता था कि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, जब जब पाकिस्तान मैच जीता रहा, और जब पाकिस्तान मैच हारता है या इस तरह का इशू होता है तो एकदम सामने आकर पाकिस्तान की बुराइयां शुरू कर देता है। अब बाकायदा तौर पर शाहिनशाह अफरीदी का एक बयान कल आया था जिसने इन सब की बोलती बंद कर दी है। जो जो जाहिल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर बकवास करते दिखाई दिए उनके लिए उनका वन लाइनर ही काफी था, जिसमें उनका कहना था कि हमारे पास 30 मिनट थे, बाकायदा तौर पर लोडर्स आ चुके थे, 2-3 बंदे थे उनके पास, चूंकि हमने 30 मिनट में अगली फ्लाइट लेनी थी इसलिए हम सब ने सामान उठाने के लिए उनकी मदद करने का फैसला किया और ऐसा ही किया गया, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अपना सामान उठाना कोई अचंभे की बात नहीं, और इस पर न जाने क्यों इतना बड़ा इश्यू क्रिएट किया गया है। ये दरअसल उसी भगोड़े मेजर समेत भारत के प्राइम मीडिया के लिए एक तमांचा था, जो बड़ी बड़ी बकवास और बड़ी बड़ी स्टोरीज करते दिखाई दिए। जरा आप सुनिएगा और हैरान रह जाएंगे कि किस तरह की बातें की जाती रही पूरे भारत के मीडिया के थ्रू। सबसे पहले सुनिए जरा मेजर गौरव आर्या को। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहीं जब जाता है, कोई भी क्रिकेट टीम जाती है, हम लोग जाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, कोई आपका लगेज लेता है, कोई आपको रिसीव करता है, कोई कुछ करता है। इनको रिसीव करने वाला कोई नहीं आया, ये खुद गाड़ी में अपना लगेज डाल रहे थे। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, लिखा है, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स वर सीन लोडिंग देयर ओन लगेज इनटू अ ट्रक अपॉन देयर अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पाकिस्तान एम्बेसी का कोई बंदा नहीं आया वहां पर उनको रिसीव करने के लिए, जो कि एक प्रोटोकॉल है कि आपकी नेशनल क्रिकेट टीम आई है यार, कोई एक बंदा, कोई सीनियर अफसर, मैं ये नहीं कह रहा एम्बेसडर आता है, नो नॉट एट ऑल, लेकिन कोई एक सीनियर बंदा आता है उनको रिसीव करता है, ये भी नहीं हुआ वहां। ठीक है, और एज अ रिजल्ट प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान वर कंपेल्ड टू लोड देयर लगेज इनटू द ट्रक। इनको अच्छा, हो सकता है इनके एम्बेसी वालों को तनख्वाहें ना मिली हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इनके एम्बेसी वालों को कई जगह तनख्वाहें नहीं मिली। अब यार जिसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप 4-5 महीने काम, उनको तनख्वाह नहीं दोगे, काम क्यों करेगा, वो काम क्यों करेगा? इनको एक्चुअल अगर आप जाएंगे गूगल पे, आप देखेंगे, और कुछ आप न्यूज आर्टिकल्स यहां पे भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, इनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं यार, तो इसलिए हो सकता है तनख्वाह ना मिली हो, उन्होंने ना भेजा हो। तो ये खुद ही, अब मुझे लगता है कि इनको होटल में भी रखा है, इनको डेगची वेगची लेकर आए हैं, बोले खुद अपना खाना पका लो, बस स्टैंड के पीछे खुद अपना, ये लोग बाबर आजम वगैरह अपना खाना वाना पकाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा डाउट है इनके ऊपर। अब अच्छा, बड़बोलापन इन भाइयों का फिर खत्म नहीं होता। बड़बोले इतने हैं, लाहौरी इतनी मोटी बकवासें करते हैं, ये हर जगह जलील हो गए, वर्ल्ड कप से जलील होकर गए, एशिया कप में जलील हुए। ये आज तक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, ऑस्ट्रेलिया में नेवर एवर। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं बोला, शान मसूद उनका कैप्टन है, शान मसूद ने ये नहीं बोला कि हम जाके पूरी अपनी जान लगाएंगे और पुरानी गलतियों से हम सीखेंगे, जैसे कोई भी मैच्योर आदमी बोलता है। उसने क्या बोला, कह रहा समय आ गया है इतिहास बदलने का, समय आ गया है इतिहास बदलने का। इतिहास क्या फिर से बेइज्जती हो जाएगी इनकी, क्योंकि लाहौरी बड़बोले हैं दोस्तों, राइट। हर चीज जब इंडिया आ रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि पूरे इंडियन जो है ना थर थर कांपेंगे, जब शाहीन अफरीदी आएगा बॉलिंग करने के लिए तो पूरा इंडिया थर थर कांपेगा, परेशान हो जाएंगे,
शाहीन आ रहा है, शाहीन आ रहा है, शाहीन आ रहा है, मार मार के बॉल की सीम खोल दी यहां पे, शाहीन आ रहा है। ठीक है जी, तो खुद इन्होंने अपना लगेज लोड करा है और इनको पाकिस्तान के एम्बेसी ने भी इनको स्नब करा है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो ऑस्ट्रेलिया में था उसने इनको इंसल्ट करी है, कोई इनको रिसीव करने नहीं आया, बोला भागो यहां से, कोई जरूरत नहीं अपनी गंदी शक्ल दिखाने की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हुई पाक टीम की खनघोर बेइज्जती, शान के लड़ाकों की हो गई सरेआम फजीहत, खिलाड़ी खुद ही दिखे सामान उठाते भारी, एयरपोर्ट पर नजारा दिखे पाक और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी, ये तो आगाज था, अंजाम अभी है बाकी, भारत की दी हुई इज्जत जो इन्हें रास नहीं थी आई। बात उस वक्त की है जो अभी कुछ ही समय पहले गुजरी है, यह हम कोई कहानी नहीं बता रहे बल्कि कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट का आगाज होने वाला था, सभी टीमें भारत में आ रही थी, जाहिर है इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तानी टीम भी भारत की सरजमी पर कदम रखती है। ग्रीन आर्मी जब हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरती है तो वहां उनका जमकर भारतीय परंपरा के मुताबिक स्वागत किया जाता है, क्या आम क्या खास, एयरपोर्ट पर खचा खच भीड़, सभी पाक टीम के खिलाड़ियों का दीदार कर रहे थे, जमकर बाबर बाबर के नारे लगाए गए, सभी अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम भारत में हुए स्वागत की बात कर लेते हैं। पाक टीम का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया था, लेकिन ये पहले तो पाकिस्तानी मीडिया को रास नहीं आया, कुछ ने ये कहा कि भगवा शॉल बाबर को पहनाया गया जो सही नहीं है, मतलब पाकिस्तानियों ने यहाँ भी मजहब घुसेड़ दिया। फिर पूरी टीम ने बिरयानी, माफ कीजिएगा, मशहूर हैदराबादी बिरयानी का लुत्फ उठाया, लेकिन फिर बाद में इन्हें अपनी प्रोटीन की कमी दिखी, लिहाजा बीफ की मांग उठी जो भारत में बैन है। फिर भी हमने इनकी बातों को झेला और हंसते रहे, वेलकम करते रहे, लेकिन ये स्वागत इन्हें कहां रास आने वाला था। पाक मीडिया तो बस पीछे ही पड़ गई थी कि उनकी टीम के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अब शुरू होती है यहाँ से असल कहानी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल से पहले ही सफर खत्म हो गया, फिर उनकी टीम में बड़ा फेरबदल किया गया, कप्तान भी बदला गया ताकि कम से कम आगे की सीरीज में रिजल्ट मिले। अब पाकिस्तानी टीम का अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया था, जहाँ उन्हें 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। यहाँ हमारी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है, लिहाजा नए कप्तान शान मसूद की अगुवाई में नई पाक टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत किया गया, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर पाक टीम का स्वागत किया जा रहा है। सभी खिलाड़ी इतने खुश हैं कि अपना सामान खुद ही एक ट्रक में लोड कर रहे हैं। खुशी इतनी है कि पाक टीम के आने पर ना कोई ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी एयरपोर्ट पर दिखा, ना ही पाक एम्बेसी से ही कोई अधिकारी उनको रिसीव करने के लिए आया। पाक खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है, भला इसे बयां करने की क्या ही जरूरत है। खिलाड़ी इतने घुले मिले दिखे कि एक दूसरे का सामान उतारने से लेकर चढ़ाने तक एक दूसरे की मदद करते दिखे, इसे कहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एकता, क्या ही बात है। सामान रखकर लौट रहे बाबर को गाहे बगाहे कोई पाकिस्तानी बंदा बुला रहा है और कह रहा है, बाबर जरा इधर देखिए, देखिए ना बाबर के चेहरे पर इस स्वागत से कितनी खुशी दिख रही है।